निर्यापक मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सागर के भाग्योदय तीर्थ में 20 सितंबर को गुरुवर के दर्शन करने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला पहुंचे। गुरु चरणों में नमन करने के साथ श्री ओम बिरला को मुनिवर का आशीर्वाद मिला। निर्यापक मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी अपने काफिले के साथ गुरु चरणों में सागर के भाग्योदय तीर्थ पहुँचे। जहां आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम मुनि पुंगव श्री के चरणों में अर्घ अर्पित करते हुए अपना शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सागर के विधायक शैलेंद्र जैन सहित तमाम राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा रचित भक्तामर की अनमोल कृति का विमोचन किया गया। गुरुदेव के सानिध्य एवं समाज की मौजूदगी में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कृति का विमोचन किया। चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों एवं श्रेष्ठी जनों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर कमेटी ने बिरला जी को मंगल कलश भेंट किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने मंच से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को याद कर अपना उद्बोधन शुरू किया। इस देश के अंदर आध्यात्मिक, धर्म, सामाजिक और अपने देश के बने छोटे लघु उद्योग, ऐसे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन किए। आध्यात्मिक धर्म के दिए गए उनके मार्ग, उनका दिया गया सत्संग ज्ञान पूरे देश को हमेशा जीने की राह और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की राह बताए। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य वो घड़ी आज से 42 साल पुरानी है। जब 42 साल पूर्व आचार्य विद्यासागर जी ने गुरु मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज को दीक्षा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया मुनि पुंगव श्री ने शुरू की थी, साथ ही समाज को गौशाला, विद्यालय, अस्पताल, प्याऊ आदि लघु कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए अभियान चलाकर जनहित में सराहनीय कार्य किया है। निर्माण की एक प्रक्रिया तो मुनि सुधा सागर जी ने शुरू की सही, लेकिन इसके साथ साथ जहां भी गए उन्होंने जैन धर्म के अंदर अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज का है, लेकिन समाज में देने के लिए प्रेरित करने का काम भी मुनि सुधा सागर जी महाराज ने किया। जहां भी गए वहां पर गौशाला, विद्यालय, अस्पताल, प्याऊ, छोटे लघु कुटीर उद्योग, ऐसे बहुत पुण्यात के काम जिससे समाज जीवन में व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो। कोटा के अंदर आप जब गए तो बालिका छात्रावास बनाया आपने, चिकित्सालय बनाया, गौशाला बनाई, और वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, उनके जीवन के अंदर सात्विक ज्ञान हो, उनके अच्छे संस्कार आए, विचार आए, ऐसी पीढ़ी को तैयार करने का काम आपने देश भर में किया। आपने अपने जीवन में 60,000 किलोमीटर की ज्यादा पैदल यात्रा करके जहां भी निकले व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया सही,
लेकिन सामाजिक सरोकार के लिए आपने समाज को प्रेरणा मिली। केवल जैन समाज ही नहीं, जहां भी आप जाते हैं संपूर्ण समाज के जीवन में परिवर्तन करते हैं। आध्यात्मिक धर्म और आपके प्रवचन, आपके ज्ञान से समाज में एक परिवर्तन की लहर आती है, परिवर्तन की दिशा बनती है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने जैन फोकस की रिपोर्टर महिमा जैन को बताया कि किस प्रकार मुनि पुंगव श्री ने साधना के साथ ही समाज के लिए परोपकारी कार्य कर देश का गौरव बढ़ाया है। उनके शिष्य परम पूज्य मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज का आज 42वां दीक्षा समारोह है। सुधा सागर जी महाराज ने तप तपस्या से जो प्राप्त किया वो समाज को अर्पण किया। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उस भूमि को, तपोभूमि तो हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जन सेवा भी बहुत काम किया। मंदिर जहाँ हमारे आस्था के केंद्र होते हैं, व्यक्ति के जीवन परिवर्तन का काम होते हैं, नैतिक साहस पैदा होता है, नैतिक रूप से रास्ते चलने के लिए मंदिर प्रेरणा देते हैं। वहीं उन्होंने जगह जगह स्कूल बनाए, औषधालय बनाए, महिलाओं का छात्रावास बनाया, अन्न भंडार बनाए, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। उन्होंने सामाजिक कार्य के साथ समाज को जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम के अंतर्गत भक्तामर स्तोत्र नामक ग्रंथ का विमोचन किया गया। बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियों के अलावा समाज भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की अगवानी के लिए मौजूद था। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।